हो गया। बांध के क्षतिग्रस्त होने के बाद आपको ये बता दें कि चमोली में आए हिम प्रलय के बाद स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ ने फुल तैयारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आपको ऑपरेशन की 5 प्रमुख तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, डॉग स्क्वाड को मौके पर लाया गया जिससे खोजा जा सके लोगों को। टनल में रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है और रेस्क्यू अभियान पूरी तरीके से चल रहा है। रेस्क्यू में सेना के जवान भी जुटे हुए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे सेना के जवान भी लगातार जुटे हुए हैं। गंगा के ऊपर बन रहे ऋषिगंगा बांध पर रविवार सुबह ग्लेशियर टूट गया था जिसकी वजह से ऋषिगंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया। बांध के क्षतिग्रस्त होने के बाद तराई क्षेत्रों में लगातार प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी करा दिया गया है। इसी के मद्देनजर ऋषिकेश में भी प्रशासन अलर्ट है। ऋषिकेश में पुलिस के द्वारा त्रिवेणी घाट समेत सभी घाटों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। और ये टनल के अंदर की हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चमोली के टनल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर एसडीआरएफ और सेना के जवान मौजूद हैं। ये टनल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है इससे लोगों को आसानी से खोजा जा सके। चमोली आपदा से जुड़ी ये तस्वीरें, टनल के भीतर की तस्वीरें हैं। भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव तौर पर आप देख रहे हैं। सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। टनल के भीतर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं वो लोग। चमोली में ग्लेशियर फटने से तबाही के मामले में मेरठ के 10, सहारनपुर के 3 और लखीमपुर खीरी के 60 मजदूर लापता हैं। सहारनपुर के 3 मजदूरों का सुराग नहीं लगा है। त्रासदी में गोरखपुर के 3 मजदूर लापता हैं। बदायूं में पुलिस ने मुनादी कर अलर्ट जारी किया है। चमोली में ग्लेशियर फटने से मेरठ के 10, सहारनपुर के 3, लखीमपुर खीरी के 60 लोग और सहारनपुर के 3 मेरठ के 10, लखीमपुर खीरी के करीब 60, सहारनपुर के 3, त्रासदी में गोरखपुर के भी 3 लापता हैं। और एक और खबर है लखीमपुर खीरी से, एक और बड़ी खबर है। कल उत्तराखंड में त्रासदी जो हुई थी उसमें खीरी के 2 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं। इच्छानगर के अजय का शव बरामद हुआ है। निघासन क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। कल उत्तराखंड त्रासदी में ये लापता हुए थे, आज इनकी डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। निघासन क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। कल उत्तराखंड त्रासदी में खीरी के 2 मजदूरों के शव बरामद हुए। चमोली के रैणी में ग्लेशियर फटने से लखीमपुर खीरी के 60 से ज्यादा मजदूर लापता हो गए। कई परिवारों का अपनों से अब तक संपर्क नहीं हुआ है। तपोवन में त्रासदी से
मुसीबतें और बढ़ी हैं। कई मजदूर लापता हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले भी परिवारों में इसी बात को लेकर कोहराम मचा है। उनके बारे में प्रशासन आज जो भी कार्रवाई होगी देखा जाएगा, उसमें पहले पता चले कि वो लोग हैं वहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग गए हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा चुके हैं तो कौन पहुँचने वाले हैं, वहाँ जाके स्थिति मालूम करें कि यहाँ कैसे क्या है, क्या जानकारी मिलती है वहाँ पे। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद लखीमपुर खीरी के 60 से ज़्यादा मजदूर लापता हैं, परिवार अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की है। जिला प्रशासन ने फिलहाल 30 लोगों की सूची बना ली है जिसे शासन भेजा जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड सरकार से संपर्क किया जाएगा। फिलहाल गांव में मातमी सन्नाटा है, महिलाओं और बच्चों की चीख है और लोग खासे परेशान हैं। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार। और इस वक्त 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ये अपने अपने जिलों का अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब मेरठ की जानकारी देंगे, विशाल कश्यप सहारनपुर की और शारिक खान लखीमपुर खीरी की जानकारी देंगे। शारिक, आपके जिले से कितने लोग थे जो वहां पर उत्तराखंड में काम करने गए थे, अभी तक उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है? बिल्कुल राहुल, देखिए 60 से ज़्यादा की संख्या यहाँ पर, हालांकि जो ये संख्या है वो जो है कम हो रही है और जो तमाम इसमें ऐसे लोग हैं जिनका संपर्क हो चुका है। हालांकि जो प्रशासन ने एक सूची तैयार की है जिसमें पहले संख्या 19 की थी, फिर ये 30 हुई, अब ये संख्या 34 भी पहुँच चुकी है जो मिसिंग है। तो जिस तरह से ये संख्या बढ़ रही है, 34 पर पहुँच चुकी है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये संख्या और भी आगे बढ़ेगी। 2 मजदूरों की डेड बॉडीज़ यहाँ पर रिकवर की जा चुकी है जिनकी शिनाख्त फोटो के जरिए परिवार वालों ने भी की है, जो शेर बहादुर और इच्छा अजय नाम के दोनों शख्स हैं जो मजदूर हैं, पावर प्लांट में काम करने के लिए गए हुए थे। तो फिलहाल परिवार में खासा कोहराम है। जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है जितने भी लोग यहाँ पर मिसिंग हैं उनको जो ट्रेस किया जाए और उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट किया जाए उत्तराखंड सरकार से, यूपी सरकार के जरिए। तो फिलहाल जो पूरा इलाका अभी लापता लोगों की कुल संख्या लखीमपुर खीरी में 34 हो गई है, पहले 60 थे। विशाल हमारे साथ सहारनपुर की जानकारी देने के लिए जुड़े हैं। विशाल, आपके जिले में क्या स्थिति है? देखिए मैं आपको बता दूं, सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के अम्बेटा पीर कस्बा पड़ता है, जहां पे उत्तराखंड के जोशीमठ में पावर प्लांट पर काम कर रहे 3 मजदूर जो कि सहारनपुर से गए थे, उनका कुछ अता पता नहीं। परिवार के लोगों का कहना है कि लगातार फोन किया जा रहा है, बताया ये भी जा रहा है, परिवार के लोगों ने बताया ठेकेदार यहाँ से लेकर गए थे 3 लोगों को, उसका भी कोई फोन नहीं लग पा रहा है। परिवार में पूरा कोहराम मचा हुआ है और पूरी हालत होने की वजह से पूरा परिवार ही सहित नहीं बल्कि पूरा गांव पूरा परेशान है कि आखिरकार किस तरीके से उनके परिवार के लोगों का संपर्क हो पाए। परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि जो नंबर टॉल फ्री भेजा गया है लोगों तक कि कोई भी सूचना हो, कोई भी परेशानी हो वो बताएं, लेकिन वो नंबर भी बता रहे हैं कि उस नंबर पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। विशाल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। शोएब, आप सभी बने रहिए, आप कोई भी डिस्कनेक्ट ना होइए। मेरठ से हमारे साथ शोएब है। शोएब, आप अपने जिले की स्थिति बताइए, यहां से कितने लोग उत्तराखंड काम करने गए थे, उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? राहुल, मेरठ जिले का एक ठेकेदार है जो उत्तराखंड के अंदर मजदूर यहाँ से मजदूरों को ले जाकर उनसे मजदूरी कराते हैं। ऐसी एक बताया जा रहा है कि जियो का टावर लगाने के लिए वो अमरोहा और मेरठ से कुल मिलाकर 10 मजदूर ले गए थे, जिसमें के 4 मेरठ के थे और 2 ड्राइवर थे और 4 ही मजदूर अमरोहा के थे। तो उसमें से जितने भी मजदूर थे वो मेरठ से 4 तारीख को यहाँ से निकले थे और 6 तारीख को वहाँ पहुँचे थे, लेकिन कल जिस तरह से वहाँ पर त्रासदी हुई है उसके बाद से उन सबका लापता है। जो यहाँ के परिजन हैं और जो खुद ठेकेदार हैं वो उन मजदूरों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसके साथ ही जो ठेकेदार और जो परिजन हैं उन्होंने जो उत्तराखंड की हेल्पलाइन नंबर थी उन पर भी कॉल किए हैं और वहाँ से भी उत्तराखंड सरकार से भी वो वहाँ के प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हुई है। मेरठ के जिला प्रशासन से भी उन्होंने कहा है कि जो उनके परिवार जो उनके सदस्य हैं परिवार के जो मजदूरी करने गए थे उनकी किसी तरह से कोई पता लगा जाए। तो जितने भी लोग गए थे उन सभी मजदूरों के फिलहाल फोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं, इसलिए परिवार वाले
फिलहाल वो काफी चिंता हो रही है क्योंकि अगर कुछ भी है वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं है, तो परिवार का कहना है कि उनके फोन स्विच ऑफ ऑन होने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से वो फंसे हुए बता रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं परिजनों का कहना है कि हमें भी उम्मीद है कि उनके जो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है, क्राइम ब्रांच ने एक आतंकी